process in the molecules. We know that the fluid constitute are made up of number or n numbers of molecules, so they have most force of attraction. So when the molecules attract each other by a certain force of the same molecules, then it is known as a cohesive force. It simply means force of attraction between same type of molecules is called cohesive force. And when the molecules attract each other of the two different types of molecules, simply means the force of attraction between the water molecule and the glass is known as a adhesive force. नेक्स्ट हम देखते हैं विस्कोसिटी. द रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ फ्लूइड इज नोन एज अ विस्कोसिटी. मतलब कि अगर कोई भी अगर फ्लूइड जो है वो मोशन में है, एटम मूविंग कंडीशन में है, तो उस पर जो रेजिस्टेंस होगा उसके मोशन पर, उसे हम विस्कोसिटी कहेंगे. सो इन अ लिक्विड, अगर लिक्विड की बात करें तो इट इज़ ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स. कोहेसिव फोर्स मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो होता ऐसा है कि दो लेयर्स जो हैं, मतलब कि लिक्विड जो है नंबर ऑफ लेयर्स से बनता है. सो जो नीचे की, मतलब सबसे नीचे की जो लेयर होगी उसकी जो वेलोसिटी होगी वो एज कंपेयर टू द अपो इट, उसके ऊपर की जो लेयर होगी उससे ज़्यादा होगी. सो ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स बिटवीन दैट टू लेयर्स, द अपो लेयर विल अपोजिस द मोशन ऑफ द फ्लूइड और दैट लेयर. मतलब कि जो ऊपर की जो लेयर होगी वो नीचे की लेयर के मोशन को रोकने की कोशिश करेगी, रेजिस्टेंस देगी, जिसकी वजह से मोशन जो है उसकी स्पीड वो बाद में कम हो जाएगी, उसे ही हम विस्कोसिटी कहते हैं. न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. सो इट इज स्टेटेड एज शियर स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मोशन टू अ गिवन फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन. तो इसमें ये क्या गया कि द शियर स्ट्रेस जो है जो रिस्पॉन्सिबल होता है डिफॉर्मेशन के लिए, वो प्रोड्यूस करेगा मोशन जो है फ्लूइड में, एक मोशन प्रोड्यूस करेगा जो प्रोपोर्शनल होगा शियर स्ट्रेन. मतलब जो वॉल्यूम जो है फ्लूइड की उसमें जो चेंजेस होंगे उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा. मतलब जब शियर स्ट्रेस बढ़ेगा तो शियर स्ट्रेन कम होगा. इसका फॉर्मूला जो है वो है कि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई.
which is known as a rate of shear strain. So when we take coefficient for the proportional strain, the formula become tau equal to nu into dv upon d phi, and here nu is the coefficient of viscosity and tau is the shear stress. Then next जो है surface tension, it is the simply known as called as a tensile forces exerted per unit length exposed to the surrounding is called as a surface tension. मतलब एक टेंसाइल फोर्स जो है, एक फोर्स एक्ट हो रहा है एक पर्टिकुलर लेंथ पे लिक्विड के या फिर एक फ्लूइड के, उसे हम सरफेस टेंशन जो है कहते हैं. सरफेस टेंशन को जिसका फॉर्मूला है टेंसाइल फोर्स अपॉन लेंथ, जो बाद में फिर इसका असाइनमेंट जो बनेगा वो न्यूटन पर मीटर रहेगा. बल्क डेंसिटी, द फ्लूइड हैव टेंडेंसी to get compressed by application of external force due to which volume changes is known as a bulk modulus. So bulk modulus मतलब ये होता है कि जब एक pressure जो है फ्लूइड पे एक्ट होगा और वो अगर पड़ेगा एक पर्टिकुलर रेंज के बाद तो इसकी जो वॉल्यूम होगी, उस वॉल्यूम में कमी आएगी, जो मॉलिक्यूल्स है जो थोड़े दूर दूर है वो पास पास आएंगे, इसकी वजह से वॉल्यूम कम होगी, उसे हम बल्क मॉडल्स जो है कहते हैं. Bulk modulus is denoted by K. It is having the formula dP upon dV by V. dP means increase in the pressure, that is small increase in pressure, that is why dP is taken, and minus dV by V means decrease in pressure, as it is small in number so small d is taken. So you must think that why it is taken in negative, because it is decreasing not increasing, means the original value and the compressed value having a negative impact on it, that's why we take negative sign. But in the answer we have to not show the negative sign, only in the formula we have to show it having the SI unit of Newton per meter square. Compressibility, all liquids are compressible to a certain extent. Gases are more compressible than liquids. Liquids are classified as incompressible because change in density with pressure is very small.
जनरली वाटर इज कंसिडर्ड एज इनकम्प्रेसिबल। सो बेसिकली इसका मतलब जो होता है कि अगर एक प्रेशर जो एक्ट हो रहा है जिसकी वजह से जितना ज़्यादा वॉल्यूम कम होगी उसे हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। सो कंप्रेसिबल इज जो है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है उसका रेसिप्रोकल है, मतलब उसका उल्टा है। तब जितनी ज़्यादा स्ट्रेन होगी छोटे से प्रेशर की वजह से उसे कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट जो है वो मीटर स्क्वेयर अपॉन न्यूटन है। कैपिलैरिटी, व्हेन वी इंसर्टेड ए ग्लास ट्यूब इन ए कंटेनर फिल्ड विद अ लिक्विड, द राइज और द फॉल इन ऑफ अ लिक्विड इन ए ग्लास ट्यूब इज नोन एज अ कैपिलैरिटी। इफ इट इज द राइज इट मीन्स इट इज द अधेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, इन दैट केस इट हैपन्स इन द वॉटर एंड द शेप ऑफ द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉनकेव। सो इन द नेक्स्ट केस वेयर द फॉल ऑफ लिक्विड हैपन्स इन ए ग्लास ट्यूब द कॉन्वेक्स शेप इज फॉर्म दैट विल शो कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर दैन अधेसिव फोर्स इन दैट केस विच इज हैपन इन द मर्क्यूरी। इसका मतलब ये है कि जब हम एक कंटेनर में जो लिक्विड से भरा है उसमें अगर एक ग्लास ट्यूब डालते हैं तो उस ग्लास ट्यूब के अंदर जो लिक्विड का सरफेस का जो राइज होगा या फॉल होगा उस ट्यूब के अंदर उसे कैपिलैरिटी कहते हैं। तो अगर वो राइज है तो फिर इसका शेप जो होगा वो कॉनकेव दिखेगा, जो बताता है कि कोहेसिव फोर्स जो है वो अधेसिव फोर्स से कम है जो कि वाटर में जो है होता है। एंड इन द नेक्स्ट केस, मतलब दूसरे केस में जो है हम देख सकते हैं कि वहाँ पे जो लिक्विड का जो लेवल रहेगा वो नीचे रहेगा एज कंपेयर टू द लेवल ऑफ द कंटेनर, जो बताएगा कि कोहेसिव फोर्स जो है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू अधेसिव फोर्स जो कि मर्क्यूरी में होता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, टेम्परेचर की वजह से जो विस्कोसिटी पे असर होता है उसके बारे में हम देखेंगे। इन लिक्विड्स विस्कोसिटी इज हैपन ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, दैट इज एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द लेयर्स। तो मतलब जब जो लीन लिक्विड में जो है वो विस्कोसिटी जो है कोहेसिव फोर्स की वजह से पैदा होता है, जो कि एडजेसेंट जो लेयर्स होते हैं उनकी रेजिस्टेंस की वजह से होता है कोहेसिव फोर्स की वजह से। सो व्हेन द टेम्परेचर
इन द लिक्विड इंक्रीजेस द कोहेसिव फोर्स इज डिक्रीज्ड एंड द रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। मतलब जब भी टेम्परेचर जो है बढ़ेगा उसकी वजह से कोहेसिव फोर्स जो होगा मॉलिक्यूल्स या लेयर्स के बीच में वो कम होगा, जिसकी वजह से जो रेजिस्टेंस होगा मोशन को वो भी कम होगा। सो देन इन केस ऑफ गैसेस विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इज ड्यू टू द टू मॉलिक्यूल्स एक्टिविटी बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स। विस्कोसिटी जो होती है गैसेस में वो होती है क्योंकि जो टू मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एडजेसेंट लेयर्स के उसके मूवमेंट की वजह से होते हैं, बिकॉज दे मूव फ्रीली। वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली मूव होते हैं क्योंकि उनकी जो नंबर्स होते हैं एट पर्टिकुलर वॉल्यूम में वो बहुत कम होते हैं एंड दे कैन मूव फ्रीली। दैट इज द मेन रीजन। सो व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस द कोहेसिव फोर्स बिटवीन दैट एडजेसेंट लेयर्स ऑल्सो इंक्रीजेस, दैट रिजल्ट इन द विस्कोसिटी। मतलब अगर टेम्परेचर बन रहा है तो उसकी वजह से कोहेसिव फोर्स जो होगा गैसेस के बीच में वो भी बढ़ेगा, इसका परिणाम ये होगा कि विस्कोसिटी जो है रेजिस्टेंस जो है मोशन को गैसेस के वो भी बढ़ेगा।